अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेलो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता अम्मी के स्टाइल में, हमारे अम्मी के स्टाइल में। मैंने इसको पास्ता को बॉईल करके लिया है और इसमें मैं ऑनियंस, कैरेट को, ऑनियंस को स्लाइस किया है, कैरेट को छोटे छोटे काट लिए, कैप्सिकम को काट लिया, और ये है थोड़ा सा पुदीना और कोथिमीर। और इसमें मसाले ये लगेंगे, चिल्ली पाउडर हाफ स्पून, हल्दी हाफ स्पून, सॉल्ट हाफ स्पून, क्योंकि सॉल्ट मैंने बॉईल करते समय लिया इसलिए सिर्फ हाफ स्पून ले रही हूँ, और काली मिर्च पाउडर हाफ स्पून, क्वार्टर स्पून गरम मसाला और एक स्पून कसूरी मेथी, 1 स्पून ईच जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाती हूँ माई मदर स्टाइल बिरयानी मसाला स्टाइल। तो दोस्तों, मैंने इस वेजल में ऑयल ऐड किया है, 4 स्पून ऑयल, और जैसे ही ऑयल हीट हो जाएगा तो इसमें मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। मैं इस वेजिटेबल्स को ऑनियन के साथ ही ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो अच्छे रह जाएंगे तो टेस्ट कच्चा कच्चा क्रंची क्रंची आएगा, हमारे घर में वो क्रंची बहुत पसंद नहीं करते, इसलिए मैं अभी इसमें वाले ऐड कर रही हूँ। ऑयल हीट हो चुका है, टमाटो भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ टमाटो आज। इसको अच्छे से फ्राई होने के बाद हाफ ग्लास वाटर ऐड करके बॉईल होने के बाद पास्ता ऐड कर दूंगी। तो मैंने अभी इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड किया है, जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा तो इसमें मैं पास्ता जो बॉईल करके रखा है उसको ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों, इसमें मैं अभी मिंट लीव्स और कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी बॉईल होगा इसके साथ तो उसका फ्लेवर इसमें एनहांस हो जाएगा। फिर इसमें बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दूंगी, उबला हुआ पास्ता। अभी ये मसाला पक रहा है, इसमें मैं बॉइल्ड पास्ता ऐड कर दूंगी। तो दोस्तों, मैंने अभी इसमें पास्ता ऐड किया है, 2 मिनट उसको इस मसाले में अच्छे से दम होने के लिए रख दूंगी और फिर हम सर्व करेंगे। तो दोस्तों, ये बनके तैयार हो चुका है, चलिए इसको सर्व करते हैं। तो दोस्तों, हॉट हॉट पास्ता तैयार है, अभी बनाइए खाइए और मुझे कमेंट करके बोलिए कैसा लगा आपको। अगर पसंद आया मेरा वीडियो तो आप मुझे लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।